दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप मैं फिर से आप लोगों के सामने आ गई हूँ एक नया ब्लॉग लेके और एक नया टॉपिक लेके। तो टॉपिक में आगे बढ़ने से मैं पहले कहना चाहूँगी कि 2-4 दिनों से ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे बिकॉज़ क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, इसके चलते मैं ब्लॉग्स नहीं डाल पा रही थी। और ऊपर से फेस्टिवल भी थे तो बहुत सारा काम भी हो जाता है जिसके चलते मैं ब्लॉग्स नहीं बना पा रही थी और मैं डाल भी नहीं पा रही थी। लेकिन फाइनली मैंने टाइम निकाला, थोड़ी सी तबीयत जो है ठीक लग रही है तो मैं आज बना रही हूँ आप लोगों के लिए। और बहुत ही ख़ास रेमेडी लेके आई हूँ जो कि इसको हर कोई इस्तेमाल कर सकता है अगर किसी को ये प्रॉब्लम्स होगी तो। ठीक है, तो चलिए, तो मैं किस टॉपिक के बारे में आज बात करने वाली हूँ। तो देखिए, मैंने जो झाई की जो प्रॉब्लम्स होती है ये 90% लोगों में देखी गई है। मैंने देखा है लोगों के फेस पे इतनी झाइयाँ होती है जिसके चलते उनका फेस अच्छा सा जो फेस होता है वो भी ख़राब दिखता है। वो सुंदर होने के बावजूद भी फिर वो झाइयों की वजह से फेस जो होता है हमारा बहुत ज़्यादा ख़राब लगने लगता है। तो हम क्या करेंगे? ठीक है, तो वो चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों को क्या क्या इस्तेमाल करना है और क्या क्या और क्या करना नहीं चाहिए। तो आप लोग वीडियो में पूरे बने रहें, वीडियो को पूरा देखेंगे आप तभी आप समझ पाएंगे। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड बगल में ब्लैक आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कर लें, जिससे कि क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम मैं कोई ब्लॉग्स डालूँगी तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा का, तो आप लोग मेरे ब्लॉग को इजीली आप देख पाएंगे। एंड लाइक शेयर जरूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को किस हद तक की ये रेमेडी आपको फ़ायदा करेगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। तो मैं जिस रेमेडी की आप लोगों से मैं बात कर रही हूँ तो मैं बता दूँ वो रेमेडी कैसी है कि हम सिर्फ एक रेमेडी से झाई की प्रॉब्लम सबसे पहले हमारी वो दूर करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। एंड सेकेंड, अगर आपके यहाँ पे डार्क सर्कल हो रहे हैं तो वो तो समझ लो आपके गायब ही कर देगा। आप मेरे भी देख सकते हैं कुछ टाइम, अगर कोई मेरे जो पीछे के ब्लॉग्स देखते होंगे जो मेरे सब्सक्राइबर होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि मेरे आंखों के नीचे डार्क सर्कल काफ़ी ज़्यादा था लेकिन अब ठीक है। एंड मेरा जो फेस एकदम बेदागी किसी प्रकार का कोई भी नहीं है, मुहासे हो गए कुछ भी नहीं है बिकॉज क्योंकि मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और जिनको नहीं भी है ना वो भी इसे करेंगे ना उसको, उनको तो मतलब उनकी जो सुंदर स्किन है जो फेस है ना और सुंदर कर देगा। ठीक है, ये और अगर किसी को झाइन की प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली इसको यूज़ करें बिना डाउट कि इसको करें यूज़, और ये आपको 100% रिजल्ट देगा। लेकिन आप पेशेंस रखें अपने अंदर, आपको कम से कम इसको 1 हफ्ता कंटिन्यू यूज़ करना है। और मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे यूज़ करना है। तो आपको इसको नाइट के टाइम पे आपको यूज़ करना है, वो भी आपको सबसे पहले आप अपने फेस वॉश करेंगे एंड उसके बाद आप अप्लाई करेंगे। और मैं जिसकी मैं बता रही हूँ कि आपको क्या चीज़ अप्लाई करनी है नाइट के टाइम पे, नाइट पे तो मैं बता देती हूँ आपको। तो ये आप एलोवेरा जेल तो हर कोई जानता है। मैं बता दूँ 90% जो लोग हैं वो जानते ही हैं एलोवेरा जेल क्या है, कहाँ मिलता है, सब पता है। लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ आपको, ये पतंजलि का है एंड आपको ये किसी भी मेडिकल शॉप पर आप जाके इसे परचेज कर सकते हैं इनफैक्ट। और देखिए, और साथ ही साथ में, और ये तो हमारा जो एलोवेरा जेल है इसके बहुत सारे फ़ायदे, बहुत ही सारे। ये अकेला ही ऐसे ऐसे काम करेगा ना फेस पे कि आप, मैं बता नहीं सकती क्योंकि मैं करती हूँ और मुझे इसके बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, लेकिन झाई के लिए बता रही हूँ मैं। तो ये हमारा एलोवेरा जेल है तो हमें क्या करना, हमें एलोवेरा जेल लेना है हाथ में एंड उसमें हमें विटामिन ई के कैप्सूल, ठीक है, विटामिन ई कैप्सूल लेने हैं हमें, जो उसका जो ऑयल होता है ना वो हमें मिलाना है
हम मतलब अपने फेस के अकॉर्डिंग ही आपको लेना है, आप लेंगे एंड उस पर आप विटामिन ए का जो कैप्सूल आप उसको पूरा मिला देंगे, अच्छे तरीके से आप उसको मिक्सअप कर लेंगे एंड आफ्टर उसके बाद आप इसे अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई करेंगे एंड आप मसाज करेंगे। मसाज कैसे करना ये भी मैं बता देती हूँ। अगर आपके यहाँ पे डार्क सर्कल्स हैं आपके आइज़ के पास, तो आपको कैसे करना है, तो आपको इस तरीके से मसाज करनी है एक मिनट तक अच्छे से, ठीक है। एंड अगर आपकी झाइयाँ हैं, झाइयों पे ये वर्क कैसे करेगा जो मैंने बताया है, ये विटामिन ई को ऐड करने के बाद मतलब एलोवेरा में, तो आपको मसाज कैसे करनी है, आपको लगाना है, आफ्टर डेट आपको ऐसे ऐसे करना है। नीचे की साइड आप मत करिएगा प्लीज़, वरना जो आपकी स्किन वो नीचे को हो जाएगी, आपको ऊपर की साइड करना है। तो आपको इस प्रकार से आपको करना है, फिर आपको इस प्रकार से आप करेंगे जिससे कि आपकी जो मसाज होगी ना, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये आपकी जो झाई की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा दूर करने में हेल्प करेगा। अगर आप इस तरीके से आप अपने फेस की मसाज करते हैं अच्छे तरीके से करेंगे एंड अगर आपकी झुर्रियाँ से जो पड़ जाती हैं वो भी दूर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। विटामिन ई जो कैप्सूल होते हैं बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, तो आप उसको चाहे तो आप उसे इंटरनली आप ले भी सकते हैं, और आप अगर लेना नहीं चाहते तो आप इसको एलोवेरा जेल में ऐड करके आप इसको नाइट क्रीम बना के इसको स्टोर भी करके रख सकते हैं। तो मैं बता दूं अभी तो मैं फ़िलहाल कर रही हूँ, लेकिन मेरी आज ही नाइट क्रीम ख़त्म हो गई है और कैप्सूल भी ख़त्म हो गए जो कि मुझे लेने जाने हैं, मैं जा नहीं पा रही हूँ, तबीयत ख़राब है, तो लेकिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो आप लोग इसे ज़रूर करिएगा क्योंकि इसका रिज़ल्ट मैं खुद आपके सामने हूँ, आप देख सकते हैं, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, देखिए इतने अच्छे इसके रिजल्ट है मेरे, इसके आप देख लेंगे एक भी प्रकार की मेरी झाइयाँ नहीं है फेस पे, पहले भी मेरी नहीं थी, लेकिन जो फेस है मेरा पहले से ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है, ठीक है। तो आप एलोवेरा जेल में विटामिन ई के कैप्सूल आप इसमें ऐड करेंगे, आपको आप चाहें तो आप इतना सा एलोवेरा जेल लेंगे उसमें आप तीन करीब मतलब विटामिन ई के कैप्सूल ऐड करके स्टोर करके आप फ्रिज में रख सकते हैं एक हफ्ते के लिए, सिर्फ ज़्यादा नहीं एक हफ्ते के लिए, एंड आप उसे डेली अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा, इसके 100% रिजल्ट आपको तभी मिलेंगे जब आप इसको एक हफ्ते इसको यूज़ करेंगे, तो आप लोग इसे जरूर करिएगा एंड मेरे साथ आप लोग इसका अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करना, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर जरूर करना और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा है। अगर कोई आपके डाउट है तो वो भी आप मुझे कमेंट्स करके आप मुझे पूछ सकते हैं। एंड मेरा एक न्यू चैनल है जो कि मैंने अभी भी बनाया है, तो उस पर भी मैं वीडियोस डालती हूँ अच्छी अच्छी, तो उसका लिंक मैं डाल दूँगी, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पे भी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मिलती है आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू।